पिछली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जिसने इंडिया ते इन्ने लंबे समय दी राज किया है वो स्कूल एजुकेशन नो बेहतर क्यों नहीं बना सके, इस पीछे फंडामेंटल सोच नो समझ लेना चाहिए है। याद रखो कि ये हायरार्की है, फॉर एग्जांपल इंडिया दे गिने चुने बहुत रिच बंदे टॉप ते रह रहे ने, ये मिडिल वर्ग है ते ये पुअर वर्ग है, ठीक। तो जो पुअर वर्ग है वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी की है कि कदे भी उतो अच्छे आईएएस ऑफिसर जा लीडर जड़े हैं नहीं निकल पाते, सिर्फ अच्छी एजुकेशन मिडल वर्ग ते रिच वर्ग नु मिल रही है। मिडल वर्ग भी जो ये लीडर बनता है, ये लीडर बनता है तो की होंदा है कि ये लीडर बन के इस वर्ग लिए पॉलिसी बनाएगा, गवर्नमेंट च जाएगा। जेकर मिडल वर्ग चो निकलता है ये भी अपने वर्ग दी ले ही फेवर विच पॉलिसी बनाएगा। जेकर पुअर पीपल गवर्नमेंट अच्छे स्कूल च पढ़ के अच्छा आईएएस ऑफिसर जा लीडरशिप ले लेंदे हन तो नैचुरली ये है कि ये अपने फेवर विच आम लोगों के फेवर विच पॉलिसी बनाएगा, क्योंकि इन्होंने संघर्ष गरीबी ते बड़े चैलेंज जिंदगी विच देखे होंगे हैं। सो केजरीवाल साहब की यह सोच है कि गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी नू बेहतर इन्ना बेहतर बनाया जाए कि पुअर पीपल वो आम लोग जिहड़े बेशक वो ऑटो रिक्शा चालक ने, बेशक वो रोज कमाते ते खांदे ने, वो भी एक अच्छी एजुकेशन सोच सकन। जे उन्हां दे विचों कुछ लीडर निकलते हैं तो नैचुरली ये बेहतर होएगा कि ये जिहड़े लोग होणगे ये आम लोगों के फेवर विच पॉलिसी बनाउणगे। जो इन्हां दी गिणती वध जाएगी नैचुरली है कि जिहड़ी रिच डोमीनेंस है वह खत्म हो सकती है, घट सकती है। जे अजिहा हुंदा है तां ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹਰਾਰਕੀ ਦੇ ਅਪਵਰਡ ਲੈਡਰ ਤੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।